दिस इज़ मी हिना और मेरे साथ हैं चौधरी आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा टी ट्वेंटी बिल्कुल और हिना मैच uh, की बात करें तो ओब्वियसली आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था अफगानिस्तान और इंडिया का बट मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि वो बड़ा इजिली भारत ने विक्ट्री अपने नाम कर ली कम्पटिशन uh, अच्छा होगा सुपर एट की टीम्स हैं बट कम्पटिशन के अंदर कहीं ना कहीं जब तक नहीं आएगी वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा और जब हम बात कर रहे थे यूएसए की बात कर रहे थे अफगानिस्तान की बात कर रहे थे तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये भी तगड़ा मुकाबला देंगी और वन साइड फेयर नहीं होना चाहिए और लेट्स सी फर्दर मैचेस में क्या होता है और आगे भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टेड मैचेस होंगे और सेमीफाइनल की जो है वो दौड़ चलती रहेगी हमारे पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं अजहर भाई और जहार भाई ज्वाइन कर चुके हैं जी वाला थैंक यू सो मच फॉर आपसे ठीक आप हिना का बताते चलें हिना की मदर बेहतर नहीं है इस कल ये थी। उनको और है। हमारी आज आप सुबह भी शो में इस पर बात कर रहे थे जो कुछ जर्नलिस्ट हैं वो हमारे हमारे कुछ एलिगे लगा रहे हैं और जब आप कोई ट्रॉफी लेकर आते हैं आप कोई अचीवमेंट अपने नाम करते हैं तो सारी चीज़ें जो है ना वो आपके हक में चली जाती हैं और लोग आपके हक में बोलना शुरू कर देते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में हमारी अगर टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो वॉक टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं है तो इस तरह की एलिगेशन सामने आ रही हैं कोई भी कुछ भी बोल देता है आप इस पर क्या कहेंगे देखिए दो दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक तो ये है कि जब हम देखते हैं जब भी रिजल्ट हमारे अगेंस्ट आते हैं तब इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं और एक और आ, मसला ये है कि ठीक है आप ये चीज़ आ, अपने चैनल्स पे यूट्यूब चैनल्स या वटैवर आप उस पर आ, बोल रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो देर इज अ कोर्ट आप उस कोर्ट में जाके ये चीज़ पेश कर दें या आईसीसी को ये चीज़ जाके पेश कर किसी को दें आप अपने चैनल पे बताना जरूरी है आपको अगर आपके पास इतना एविडेंस है दूसरा ये है कि अगर प्लेस जिनके नाम लिए हैं मेरे ख्याल में अगर मेरा किसी ने नाम लिया होता मेरा ख्याल नहीं बल्कि मैंने एक मिनट नहीं लगाना था तो डेफिमेशन का केस दायर कर देना था बिकॉज ना सिर्फ ए, वो, वो किसी एक प्लेयर के ऊपर इल्जाम है बल्कि एक पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर इसमें काफी सारे नाम लिए हैं उन्होंने तो इट मीनस के पा, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट का नाम डैमेज हो रहा है इसके ऊपर तो आई एम श्योर कि पीसीबी को भी इसके ऊपर फ़ौरन से एक्शन लेना चाहिए और प्लेयर्स जिन जो जिनका नाम लिया उन्होंने उनको भी फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए वरना ये आप फिफ्टी ओवर वर्ल्ड कप के बाद भी शुरू हो गया था ये अब फिर शुरू हो गया है मतलब दो तीन लोग डिफरेंट किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं भजन एक तो सबसे पहले मेरी एडवाइस है अगर आपके पास इतनी है और आपके पास कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत हैं तो आपकी ये फिर आपका बनता है फ़र्ज बनता है कि फिर आप उसको जाके आगे पेश करें क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम है अगर किसी ने भी पाकिस्तान के नाम के साथ खेला है या कोई इस तरह के काम किए हैं तो उनको तो फ़ौर सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन ये है कि उसका एक प्लेटफॉर्म है कोर्ट्स हैं आईसीसी है, है मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ये प्रूफ्स लेके जा सकते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ अपने चैनल्स पे ये बात कर रहे हैं तो आई थिंक ये भी आई थिंक मेरे ख्याल में तो सबसे ज्यादा ये है कि आप अपने चैनल का व्यूशिप बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन अगर आपके पास बाकी है तो आप आ, आ, जो सही प्लेटफॉर्म है उधर लेके जाए और जो प्लेयर्स जिन जिनका नाम लिया है मुझे तो लगता है उनको फौरन से जो है ना पीसीबी के पास जाएं या जिस तरीके से भी इसको टेकअप करना है लेकिन फौरन करें ये इस पर डिले नहीं होना चाहिए बिल्कुल भाई आपके ओपिनियन भी जानते हैं हैं वन स्पोर्ट नेशन हम रह गए और जब उसके ऊपर भी बात होगी एक पहले मॉरली सारे डाउन है पूरी नेशन जिस तरह की क्राइसिस से गुजर रही है ऐसी चीज़ें हमने देखा कि आपको बहुत एज नेशन बहुत गिराती हैं और अगर खुदा अल्लाह करे हम सब ये चाहते हैं कि इसमें कोई ताकत ना हो तो अगर कुछ है तो तरह बात कर देना दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं मिलती किसी कंट्री में आप कोई बात कर नहीं सकते विदाउट उट एवीडेंस न्यूज पेपर आप सही कह रहे हैं यहां मैं अपने के लिए एक और भी करना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये कि हमने क्वेस्ट का सिलसिला स्टार्ट किया अपने प्रोग्राम में हम प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको एक क्वेस्ट दिखाएंगे वो आपकी स्क्रीन पर आएगा थोड़ी ही देर में और हमारे नंबर्स भी आ रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं सही जवाब बता सकते हैं जिसमें आपने अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताना है और वो हम प्रोग्राम के एंड पे अनाउंस करेंगे कि आज के इस क्विज का विनर कौन है? बिल्कुल तो आज का जो सवाल है वो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा सवाल बता दीजिए जी सवाल है कि आप बताएंगे? जी मैं बताता जी। जी, हूँ चार नाम है आपके पास ऑप्शन है अफरीदी सईद अजमल हसन और उमल गुल और मेरा ख्याल काफी आसान है लेकिन see, कौन विनर होता है मेरे जैसे भी लोग है आप कुछ कहना चाह रहे थे देखिए ये सही बात है कि जब परफॉर्मेंस टीम की नहीं होती तब इस तरह की बातें होती हैं स्पेकुलेशन होती हैं यही टीम थी इवन नॉट पीछे ज़्यादा पीछे ना जाए हम इवन एक साल पीछे चले जाएं एशिया कप से पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी एटलीस्ट वाइट बॉल की हद तक तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे फिर एक एशिया कप यही टीम थी मोरलेस जो दो का फाइनलिस्ट थे टी वर्ल्ड कप के उसके बाद से जब से एशिया कप हुए लास्ट ईयर के एक सक्सेसिव रन ऑफ सीरीज ऑफ अंडर uh, परफॉर्मेंस हुई है एशिया कप में हम फाइनल तक के लिए नहीं क्वालीफाई कर सके इवन उसके बाद वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस बिलो पा रही ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ गई उसमें वॉश आउट हुआ, हुआ हमारे साथ वाइट वॉश हुआ फिर उसके बाद न्यूजीलैंड को से हम सीरीज़ आ रहे फिर अब जो रिसेंट सीरीज़ हुई है न्यूजीलैंड से उसमें उसमें भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई फिर इवन जो टी आयरलैंड के साथ सीरीज़ हुई इंग्लैंड तो एक सक्सेसिव रन ऑफ सीरीज़ हो रहा है तो इस हवाले से अगर कोई चीज़ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है जो फिर एक इट गिव्स ए टू स्पेकुलेशन फिर इस तरह की चीज़ें लोग बात करते हैं तो देन अगेन अगर कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो आपके पास कोई इस हवाले से क्रेडिबल एविडेंस है तो मुतल फॉरम में रिज्यू करना चाहिए मीडिया पर लेके उसको ठीक है मीडिया पर डिस्कलोज करें हर एक का राइट है कि वो अपनी इस हवाले से ओपिनियन दे लेकिन जो मुतलका फॉरम्स हैं कोर्ट्स हैं आई सी सी है, है, है उधर उनको पेश करें उस हवाले से एक इंडिपेंडेंट uh, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उस हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए

दे शुड इंक्वायर दम सेल्फ यार ये इनफ एविडेंस है कि मैं ये बात कर सकूँ uh, ये तो हो नहीं सकता कि आप इतने सीनियर हो जाए और आप सिर्फ बातचीत कर रहा है कोई और कोई आपको एक चीज़ बता रहा है uh, कोई भी कोई भी बंदा आगे ये चीज़ कहता है कि ऐसे ऐसे होता है तो आप उसको सिर्फ बात सुनकर तो ये चीज़ नहीं कर, नहीं कर सकते कर सकते। और प्रेसिडेंट जब तक सेट नहीं करेंगे आप एक आने वाली नस्ल के लिए भी कौम के लिए भी कि इस तरह अगर होता है तो हम उसका ये वे फॉरवर्ड है तो आई थिंक जो हमारी ला फोर्स जितनी भी एजेंसीज़ हैं अथॉरिटीज़ हैं वो भी इंटरवीन कर सकती है, है तरह बात कर नहीं सकते। सबसे ना, नाम सिर्फ ये नहीं कि जिन क्रिकेटर्स का वो नाम ले रहे हैं मतलब है। इतने नाम आप लेते ले ले जमीन के नहीं जाता सही है अच्छा अभी की अपडेट ये है देखा कि इंडिया ने बड़ा आसानी से मैच जीती रन से विक्ट्री हासिल की टॉस जीत के डिसीजन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप आई थिंक इस इधर ही आई थिंक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और टू uh, हंड्रेड प्लस कर दिए थे और फिर इंग्लैंड चेज नहीं कर पाया था और ये कंडीशनस भी उसी तरह ही uh, ऐसे लगा थोड़ा सा uh, थोड़ा सा स्लो हो गया था सेकेंड टाइम बड़ी हिटिंग के लिए और स्पेशली जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की कटर्स यूज़ किए uh, बहुत ज़बरदस्त uh, स्पेशली बुमराह तो बड़ा मुश्किल था इतना वन एटी के राउंड रन चेज करना था आई थिंक राइट डिसीजन था कंडीशन uh, को देखते हुए बारबुडा में हमेशा यही होता है कि थोड़ा सा पिच टायर्ड आउट होना शुरू हो जाता है पिच पे आप देखिए कोई घास नहीं था तो थोड़ा जितने भी स्पाइक्स के मार्क्स हैं जो भी वेर एंड टेयर है वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है तो बहुत कोई जब आप इस पिच इस, इस पूरे स्क्वेयर पे जब आप जाते हैं ना तो बहुत कोई जिसको कहते हैं ना वेल प्रिपेयर्ड स्क्वेयर नहीं लगता ये ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी बहुत है क्योंकि बहुत देते रहे हैं लेकिन अभी अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें उससे पहले अगर सिलेक्शन की बात करें तो तब भी बहुत ज्यादा जो है ना वो स्पेकुलेशन थी और फिर शुभमन गिल और उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक टाई था और सुनने में आ रहा था कि शायद विराट कोहली जो है वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो लेकिन ऐसा नहीं ऑफ कोर्स उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो हमें उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई और फिर स्पेसिफिकली अगर हम आज की भी बात करें मैच की जो अभी हुआ उसमें भी कोई खास रन नहीं बना सके तो हमारी नेशन इतनी ज़्यादा जो है ना वो इमोशनल हो जाती है बाबर आजम अगर परफॉर्म ना करें कि तो उधर क्या हाल होगा पड़ोसियों में बात <laughs> वही है ना कि जो रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड है विराट का विराट कोहली का आईसीसी इवेंट्स में वो आउटस्टैंडिंग है।, है और दूसरी चीज़ ये कि तमाम हिटर्स के बीच में उन्होंने बेसिकली एक एंकर का रोल जो है वो विराट कोहली का बनता है क्योंकि आप देख लें कि कंडीशन हमने देखा है थ्रू आउट यू भी और इवन कई आप कैरेबियन में भी देखेंगे कि लो स्कोरिंग या इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा तो उसमें विराट कोहली जैसे प्लेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल दो कि अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर सके आ, लेकिन एक बड़ा नाम है बड़ा परफॉर्मर है और बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करता है तो आई एम श्योर के राइटली उसको पिक किया गया है आ, मेरे ख्याल में जिस तरह का टैलेंट इंडिया की बैटिंग में बाकी मौजूद है जो कि ज़्यादातर बाउंड्री हिटिंग की एबिलिटी रखता है और ऑल दो वराट कोहली भी जब सेट होते हैं तो बाउंड्रीज लगा सकते हैं लेकिन सबसे अच्छी चीज़ विराट कोहली की यह है कि गेम को चलाना जानते हैं चेज़ भी स्पेशली चेज़ के मास्टर के लाए जाते हैं और फिट बहुत ज़्यादा है रन जो अगर बाउंड्रीज नहीं मिल रही वन एंड टूज में वो बहुत ज़्यादा रन बना लेते हैं तो आई एम श्योर के विराट कोहली किसी न किसी स्टेज पे जाके वो परफॉर्म भी करेंगे और अपनी सिलेक्शन को सही साबित भी करेंगे बिल्कुल सर भाई हम देखें तो रोहित शर्मा भी परफॉर्म नहीं कर रहा और ओपनिंग के बाद जब भी इनके जो बाकी टीम है अगर मिडल ऑर्डर की बात करते हैं पर्ट की बात करें तो वो लंबे एक गैप के बाद आ रहा है ओबियसली उसने आई तो खेला बट आई इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं है और इसी तरह प्रया तो कुमार यादव है वो सिर्फ टी ट्वेंटी फॉर्मेट खेलते हैं तो बाकी जो लड़के हैं वो भी यंगस्टर हैं साम हाउ तो फिर भी आप समझते हैं कि ये ऐसी बैटिंग लाइनअप है कि जो दुनिया को या वर्ल्ड कप जीतने के लिए एलिजिबल हो सकती है देखिए मेरे ख्याल में तो इंडिया की सबसे इस टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा बैलेंस साइड है उसकी वजह यह है कि उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं जेनुअन ऑलराउंडर्स हैं ऐसे ऑलराउंडर्स हैं कि जो बैटिंग से भी बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं बॉलिंग से भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं हार्दिक पांड्या है बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं हिटिंग भी अच्छी करते हैं और इवन एक्सपीरियंस भी उनके पास है या उसके बाद अक्सर पटेल है या रविंद्र जदेजा है ये जब इनकी टीम में जो ऐसा एक इनका मिडिल ऑर्डर में जो है लोअर मिडिल ऑर्डर में ये इनको ना सिर्फ बैटिंग डेप्थ देते हैं साथ ही बॉलिंग में भी ऑप्शन देते हैं अब देखें कि उन्होंने अपना स्कॉट इस तरह डिज़ाइन किया कि जो यू की लेग थी उसमें वो तीन या चार फास्ट बॉलर्स के साथ जाते थे आज उन्होंने जब वेस्ट इंडीज़ आए हैं तो सिराज को ड्रॉप करके उसको कुलदीप यादव को लेके आए और प्रेजेंस ऑफ हार्दिक पांड्या जो कि ना सिर्फ एक लोअर मिडल ऑर्डर में आके एक अच्छी कंट्रीब्यूशन करता है हिटिंग भी करता है इनिंग्स के हिसाब से आ, लंबा लंबा भी खेल लेते हैं वो ना सिर्फ बॉलिंग में भी उन्हें एक ऑप्शन देते हैं कि जब उनके पास एक तीसरा फास्ट बॉलर जेनवन फास्ट बॉलर की ऑप्शन होती है तो इस हवाले से उनका जो स्क्वाड है कंसिडरिंग द जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ टी क्रिकेट बहुत ही बेहतरीन स्कॉड है और आपका जो पॉइंट है कि शायद उनके जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने इतना अच्छा अभी तक परफॉर्म नहीं किया लेकिन हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो उनकी पहली लेग थी वो वो यू में थी यू में जितने भी मैचेज हुए हैं जिन ग्राउंड में वो खेले हैं वो कोई बहुत ही आइडियल बैटिंग ग्राउंडस नहीं थे और बड़े लो स्कोरिंग मैचेज हुए हैं लो स्कोरिंग मैचेज में उन्होंने उनके जिस तरह भी उनके बैटिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनको मैच जिताने में इस हवाले से अभी भी मैं समझता हूँ बड़ी बैलेंस साइड है हर तरह की उनके पास ऑप्शन हैं स्पिन की ऑप्शन हैं फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं बैट्समैन भी सूर्या कुमार यादव ने आज फिर बेहतरीन इनिंग्स खेली जहाँ राशिद खान को खेला हर एक लिए मुश्किल हो रहा था उन्होंने उसको भी अच्छा खेला और बाकी भी उन्होंने जो मिडल ओवर्स में मेरे ख्याल में जो उनकी क्रूशल इनिंग्स थी जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉग टोटल पुट अप कर सके बोर्ड पे जो कि एक डिफिकल्ट पिच थी इतना आसान ग्राउंड नहीं था जो अफगानिस्तान के लिए चेस करना मुश्किल हुआ बिल्कुल अच्छा भाई अगर देखें तो अफगानिस्तान हमें लगता था यू की तरह उससे बेहतर क्रिकेट खेलेगी और अभी जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने उनकी पटाई की और अभी ये इस डिफीट के बाद बहुत डाउन होंगे ये भी एक कम्प्रीहेंसिव विक्ट्री हासिल की इंडिया ने फजले की बात करें वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है राशिद दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है लेकिन एज ए टीम कहीं ना कहीं हमें बैटिंग में उनके प्रॉब्लम काफी नजर आ रहे हैं जो कंट्रीब्यूशन है गुरबाज चलता है तो टीम रन करती है गुरबाज नहीं चलता तो ये टीम रन नहीं करती आप क्या प्रॉब्लम समझते इस टीम के जी बिल्कुल जो टॉप ऑर्डर है ना उनका जिसमें इब्राहिम जदान और गुरबाज जो हैं ये दो प्लेयर ऐसे हैं और साथ में अजमत जो उनके नए ऑलराउंडर आए हैं ये थोड़े से टेक्निकली बेहतर प्लेयर्स हैं जिस जो जिन जब ये स्पेशली टॉप ऑर्डर में ये दोनों ओपनर्स जो हैं वे अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर इनकी बैटिंग थोड़ी फ्लो में आ जाती है अगर ये जल्दी आउट हो जाए तो फिर ज़रा बहुत कम देखा गया है कि फिर वो कम बैक कर सकें और स्पेशली अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइक इंडिया या क्वालिटी टीम लाइक इंडिया और या कोई और भी चाहे साउथ अफ्रीका या कोई भी बॉलिंग आएगी इनको प्रॉब्लम होगी अगर इनके ओपनर्स नहीं चलेंगे लेकिन जब भी इनके ओपनर्स चलते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉग टीम को भी टफ़ टाइम देते हैं और आज अगर देखें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है पर्सनली कि इनके लिए वन एटी टू मच टू क्रॉस था अगर स्पेशली अगर इनको ओपनर नहीं चलते और आई uh, थिंक राशिद की आपने बात की राशिद खान ने आज भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और यू नो टॉप क्लास स्पिनर है उनके लेकिन आई फील के कहीं ना कहीं अभी भी अफगानिस्तान ऑन डे वो बहुत डेंजरस है किसी uh, हो सकता पाकिस्तान है से <laughs> मैं अभी कोहली के बड़ी देर से वो कोहली के बाद चल रही थी ना तो मैंने कोहली का जवाब दिया ना तो बड़े आराम से मान गई मैंने कहा ये बाबर के बारे में ये जवाब देता है कोई तो अभी देखे बात ही सुपर एट इस टूर्नामेंट में तो आपसे बेहतर ही है उसमें भी आपसे बेहतर है ये मैं जेनवनली कह रहा हूँ अब आप खुश हैं ये बात ही आपको खुश करने के लिए थी <laughs> देखिए उनकी एक नई टीम होने की हैसियत से अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत ओवर द टाइम काफी इंप्रूव किया है और हमारा जो क्रिकेट में एक नाम है जो हमने अपना इतना टाइम लगा के वो अचीव किया है सारा कुछ वो मुझे लगता है डूबता जा रहा है और फिर बहुत सारे सोशल मीडिया पे जब हम मीम्स देखते हैं ट्रोलिंग हो रही होती है तो वो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि कहीं हॉकी जैसा हाल ना हो जाए इसका भी नहीं। तो एक डर ये भी है कि दिस इज द ओनली बात करें एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट की तो तो हमारे पास तो क्रिकेट के अलावा कोई नहीं है अगर पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स रहे हैं जो क्रिकेट के हालात चल रहे हैं अगर हमने सही डायरेक्शन में डिसीजंस ना लिए तो हो जाएगा नहीं लेकिन हमारी थोड़ी जो बचत हो जाती है ना कि कोई ना कोई हमारे पास एक्सट्रॉर्डनी प्लेयर्स दो तीन आ जाते हैं जो आपको कोई ना कोई टूर्नामेंट जिता देते हैं या मतलब कभी कम्बिनेशन अच्छा बन जाता है और फॉलोरशिप इतनी ज्यादा कि लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं जिसकी वजह से हम बच रहे हैं अगर हम इस सिस्टम इस, इस, के साथ अगर हम किसी भी ऐसी कंट्री में क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना जहाँ पे लोग क्रिकेट कम खेलते हैं तो फिर तो हमारा सर्वाइवल था ही नहीं ये हम सर्वाइवल इतना क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्लेयर निकल आता है लेकिन अदर भाई ये, इस टाइम हम ना बॉटम को हिट कर रहे हैं और दूसरी

कि जब आपकी विक्टिस खत्म होती है ना तो अवाम का आपसे जो कनेक्शन है वो टूट जाता, जाता है अभी है। जो इस राइट ना हो अगर आप नाइनटी नाइन परसेंट लोग हंड्रेड परसेंट से बात करेंगे 95 हमने आप क्रिकेट नहीं देखनी ये बड़ा ही अलार्मिंग है ये पहले कभी नहीं इस तरह सुना लेकिन पहले होता बहुत दफा सुना हुआ है ये बहुत दफा सुना है लेकिन अगेन क्रिकेट को दोबारा उनको वापस कौन खेजेगा हमारी परफॉर्मेंस खेचेगी ये तो बात आपकी हंड्रेड ठीक है लेकिन ये बातें हम बहुत दफा सुन चुके हैं कि यार आज के बाद क्रिकेट नहीं देखनी लेकिन अगले मैच में है फिर से, देख रहे, फिर से देख रहे होते हैं <laughs> लेकिन ये प्यार है क्रिकेट के साथ भी और पाकिस्तान के लोगों के साथ भी लेकिन अगेन फिर वही बात है कि जो सारे इवेंट्स इस टाइम पे हो रहे हैं ना वो बहुत डिस्करेजिंग है जिस तरह यू नो इल्जाम की बुछार हो जाती है फिर अः फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता फिर लोग जो है ना ये सारी चीजें सुन के फिर कहते हैं यार ये शायद ये बात सच कर रहा है तो अगर जब तक अब मैं इसलिए इस बात पे कह रहा हूँ कि जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने चैनल्स के ऊपर सहाफ़ी लगा रहे हैं या कोई भी लगा रहा है उस पर फ़ौर एक्शन ज़रूरी इसलिए है कि हमने वो जो फ़ैन हमें क्रिकेट खेलते हुए देखता है उसका उसको ये शोर होना चाहिए कि ये पूरी ऑनेस्टी से क्रिकेट खेलते हैं अगर उसको कहीं भी शक पड़ता है ना तो जितने लोग आ, कह रहे हैं ना कि क्रिकेट नहीं देखते इसमें ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है किसी पे भी ये दिखाना कि यार ये सही तरीके से ऑनेस्टी से नहीं खेलते अच्छा वो जक़ा अशरफ साहब ने भी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा पलंदा खोला उस टाइम के वो चेयरमैन थे और उन्होंने कहा कि जी एक लॉबिंग हो रही है और ये साया ग्रुप और पता नहीं आपके सामने बड़ा कुछ आया अच्छा वो उस वजह से इंजी भाई ने रिटायरमेंट भी ले ली अच्छा दोनों तरफ से कुछ नहीं हुआ हमने बल्कि इंजी भाई से भी बात की तो हमने कहा आप उनको लेके जाए कोर्ट में वो भी नहीं लेके गए और बोर्ड ने भी कोई कार्रवाई नहीं की बोर्ड ने कहा एक वीक का टाइम है जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे

वर्ल्ड कप के फिनिश होने का आ, उसके बाद आप ये सारी चीजें करते हैं उसके बाद बाद करने के बाद फिर उसका आउटकम भी कोई नहीं है आ, तो इतना आ, बड़ा बुलंदा खोला दुनिया में मैं समझता हूँ बुरा नाम गया कि भाई का बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ा नाम है तो अगर उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है तो एक तो वर्ल्ड कप के बाद ये सारी चीजें खोल लेते फिर इतने लोग इस तरफ ध्यान ना करते और अगर खोला था तो फिर उसको सारी चीजें बताए ना कि यार क्या था बिल्कुल सही कह रहे हैं और अभी हम लेंगे एक ब्रेक होंगे ब्रेक के बाद देखते रहिए शो की अगर बात करें तो इस वर्ल्ड कप में वो हाइस्ट विकेट टेकर रहे हैं आज भी उन्होंने तीन विकेट्स दी और ओवरऑल अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पंद्रह विकेट्स ले चुके हैं Nabled... है वैसे अफगानिस्तान के oh. कुछ प्लेयर्स हैं हाँ. है? <laughs> <laughs> <बोल्ड़। laughs> नहीं फजल अख आई थिंक बड़े इम्प्रूवड बॉलर नजर आए इस टूर्नामेंट में नॉर्मली हमने देखा था कि नए बॉल से वो अच्छी बॉल करते थे लेकिन डेथ बॉलिंग में मार, आ, मार भी पड़ जाती थी और थोड़ा सा पैनिक कर जाते थे लेकिन वही थे यंगस्टर थे अपने एक्सपीरियंस से मेरा ख्याल काफ़ी सीखा दो मैच तो आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जीते हुए थे दोनों मैच आखिरी ओवर में इनको रन पड़ गए थे लेकिन यह कि नए बॉल एक तो स्विंग बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइन एंड लेंथ कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट्स ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ इट उनको मिल रही हैं लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब ये डेथ बॉलिंग करने भी आते हैं तो तब भी ये अब उस तरीके से पैनिक नहीं करते और अपने प्लान्स को अच्छे ही एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं और एंड के ओवर्स में भी इन्होंने विकटें हासिल की हैं और रनस भी आप देख लें इकनॉमिकल जा रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप सो येस कंडीशन भी उनको फेवर की हैं और अच्छी और हल्की टीम है दोनों के गेंस इनकी परफॉर्मेंस है ये नहीं कह सकते आप कि भाई कई दफ़ा आपको हल्की टीमों के अगेंस्ट विकेट्स मिल जाती हैं और आप अगेंस्ट गुड साइड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेटर साइड इवन इंडिया अगेंस्ट यू नो आज फिर तीन विकटें ली फिर एक ए, एक, और एक टीम याद नहीं आ रही एक और बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट इन्होंने चार विकेटें ली थी तो आई थिंक ये उनका बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट जा रहा है और उम्मीद करते हैं अफगानिस्तान के फैंस भी उम्मीद करते हैं कि इसको ये और आगे अच्छा करें और एक स्पेशली गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया को किस तरह अगर बीट कर सकते हैं अगर इन्होंने नया बॉल अच्छा कर लिया तो स्पिनर्स इनको ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते हैं इन कंडीशन में अच्छा भी करते और इनके साथ हजार भाई ये भी बताइए जो हम बुमराह की बात करना चाहेंगे एक ऐसी शानदार स्पेल हमेशा हर मैच में जो स्पेल उन्हीं का होता है और गेम चेंजर किस्म का बॉलर और दुनिया का इस टाइम में नंबर वन बॉलर कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा और ऐसी स्पिन विकेट के ऊपर भी जो लाइन और लेंथ हो जो डिजेक्ट यूज़ करते हैं ये आउटस्टैंडिंग है कैसे देखते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी एज अ बॉलिंग यूनिट इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और ना सिर्फ बुमराह का तो है ही है इंपॉर्टेंट रोल लेकिन बाकी भी जो बॉलर्स थे जिसमें मिडल ओवर्स में कुलदीप यादव थे या जदेजा थे या अक्षर पटेल थे उन्होंने बड़ा अच्छा उनको लेकिन इनका चार ओवर में सात रन तीन विकटें तो कमाल अच्छा। वो तो कमाल परफॉर्मेंस थी डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं लेकिन एज अ बॉलिंग यूनिट इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी इनकी बड़ी क्रूशल परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की भी जो इन्होंने क्रूशल डिसाइजिव ओवर लिया जिस वजह से टर्निंग पॉइंट था तो बुमराह का नो no डाउट लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया एज अ बॉलिंग यूनिट कम्प्लीट बॉलिंग यूनिट है जो बाकी उनके बॉलर्स हैं वो भी बुमराह को सपोर्ट करते हैं आप अकेले अगर अच्छी बॉलिंग करें जिस तरह फजल हक फरूकी ने भी अच्छी बॉलिंग की लेकिन बाकी जो आगे या राशिद खान ने भी की लेकिन जो बाकी बॉलर्स थे वो उस तरह का सपोर्ट नहीं कर सके लेकिन बुमराह को जब बाकी इंडिया की बॉलिंग लाइनअप थी उन्होंने भी सपोर्ट किया आ, बाकी कुलदीप यादव है या जुदेजरा है अक्सर पटेल है या सिराज है उनका एक ऐसा डेडली बॉल, बॉलिंग कॉम्बिनेशन है जिसमें फास्ट बॉल फास्ट की ऑप्शन भी उनके पास है स्पिन की ऑप्शन भी और उनकी जो गेम अवेयरनेस है कि वो पिच को बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं कंडीशन को बहुत जल्दी असेस कर लेते हैं और उस हिसाब से अपनी बॉलिंग स्ट्रेटजी को भी ऑल्टर करते हैं बिल्कुल और मेरा ख्याल अगला माँ अगला माँ अगला माँ इन्होंने क्या दिया को है हाँ, ये तो मैं कहता हूं के ब्रेक पे अभी तो मैं यहाँ आया हूँ आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर्वर्ड अभी आए हैं अभी जजलाएंगे फिर कुछ हिरा जी आपको गुजश्ता से व्यवस्था से शजर रहे बहार रक्त से ईद मुबारक हो आपको पता है तीन दिन यहाँ क्यों नहीं आया हमारी ही तो अच्छी गुजार बने में आपके चक्कर में नहीं हुआ यहाँ से मैं खबर देता मैंने... चल रही थी नहीं सर मैंने बच्चा पूरा खा लिया था <laughs> और पूरे तीन दिन मैं बदोबदी बच्चे की आवाज में करता रहा आप हूँ डायरिया के केसेस जो है ना वो हादसा मुझे डायरिया हुआ लेकिन अंदर ही मार गया आप ईद आप ईद पे कुर्बानी से कैसे आ रहा है आप ये बताएंगे ईद पे कुर्बानी से आप बच्चे कैसे है <laughs> मैं जी रसद उड़ा के भाग गया <laughs> अच्छा वैसे मेरी बात सुने आपने कुर्बानी किस चीज की की थी कुर्बानी में फिलहाल अपनी ही दे रहा हूँ <laughs> और ये अल्टरकेशन आजकल हो रही है प्लेयर्स के साथ एक मैंने बात किया देखा यूएस में कैसे बात बातचीत जो है वो पीसीबी से कैसी चल रही है ये और भाभी के आरपीएन के आगे हैं आप ये जी चोरी के मैं सौ दफा बता चुका हूँ से भाभी से मैं मांगे तो जो बेड़ा है बेड़ा गर्क कर दिया पीसी बी से जो बात चल रही है पीसी से एक तो मैं तंग हूँ इतनी ऑफर दफा ऑफर कर दी और उनका एक ही की कि आपने साहब आपने बी के डेढ़ लाख किलोमीटर के दायरे में नजर नहीं आना <laughs> वो जी ये कह रहे हैं अच्छा मैं ये समझता हूँ अगर ये पाकिस्तान के कोच लग जाए ना ठीक है टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाए कोई मसला नहीं

इतना प्यार लोगों का इतना प्यार मिल रहा है इतने तोहफे आए <laughs> मैं यकीन जा रहा मैं अपने जज्बात को काबू रख पा रहा वैसे क्या तोहफा मिलता था ये सड़ी भी फेरिया अपना पूरे, पूरे पूरे जो मज होती है उसका जो अलैशे वो एक तो जो है वो अंतड़िया ओझरी भी मुझे जो है पहुंचाई बोलो साफ खुद कर लेना दिया किसी ने कि नहीं? नहीं, उसकी रीजन ये, ये फिप्रा, थे, फिप्रा दिया है फिफरा दिया जी पड़ी है? है जी जी फेफड़ा मुझे पता फेफड़ा वो होता है की जो अगर हमें ना हो तो हम सब मर जाए इंटेलिजेंट आपके पास नहीं तो ये ऐसा फेफड़ा या फेफड़े में क्या फर्क है ये जो दो तहफ आए ना वो सब देने के बाद एक ने बोला की सर इससे ज्यादा नहीं दे सकते आपको नहीं बनता तोहफे बस दे दिए जो तो अच्छा ये है अच्छा दूसरा ये कि एक ब्रेक थ्रू यहाँ पे हो गया हाँ जी। और ये खबर में शेयर ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता ए आर रहमान से जी मेरी चार दिन पहले मुलाकात थी डेढ़ घंटे तवील वो हम बातें करते रहे और ज़्यादा वो बोले और एक ही बात कहे जा रहे थे क्या क्या, <laughs> <laughs> तो क्या, क्या 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 कि आखिर तुम चाहते चाहते हो फिर आपने बताया हैं मैंने एक राग लगाया तारे सड़की सारी पूरा स्टूडियो उनका आगो आगो <laughs> वो राग अगर इधर लगा नहीं बल्कि साहब आपके लिए खास मैंने राग तैयार बल्कि बाजा साहब आप रहने दें आपके लिए मैंने त्यारे एक मिनट में कुर्सी दोनों <laughs> 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 होना शुरू हो गया है अल्लाह रहम करे मुंह से अच्छी बात निकालते हैं देखिए खूबसूरत तो होने का ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोलते जाएं। और इतनी भी खूबसूरत आप नहीं मैं अगर प्लास्टिक सर्जरी करा दूं आपको तो

जो है वो घुमावा होता है चलता ही नहीं। अच्छा बात सुने। इस बात पे ऐसे नहीं है आप ने हमेशा ही कहते हैं, मैंने नोटिस किया, आपका प्यार भी। और और <laughs> और तुम, और आप जो है वो फेरी हाँ जिसकी <laughs> टेल ही नहीं है जी। <laughs> <laughs> तो आप टेल है, मैं अभी छोटा सा ब्रेक लेते जी ब्रेक से हमने शुरू में आपसे क्वेश्चन पुछ, का नाम हमारी स्क्रीन पे है सुहेल अहमद साहब ने राइट आंसर दिया जी राइट आंसर इज शबुल हसन तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अचीवमेंट भी होती है किसी प्लेयर के लिए एक वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर होना

फ्रॉम 2011 से लेकर 15 तक उनका बड़ा जबरदस्त बल्कि उसके बाद भी एक दो साल उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली स्पेशली वो अपने ग्राउंड में तो अभी भी बहुत टफ टफ है लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत बड़ी गलती की कि वो उस पर खुश देट। <laughs> बहन गुवाच गए है ना क्या तुमने तो मेरे बहेद को देखा तुम्हारी नजर पहले दिन से मेरे बहेद पर थे मैंने प्रॉमिस तो नहीं देखा आज इतनी खामोश क्यों हो कहीं अपने बैग में मेरे वहीद को तो नहीं रख लिया <laughs> आपका वहीद है या बिल्ली का बच्चा है कि तो बैग में आ जाएगा? <laughs> बिल्ली का बच्चा भी बड़ा होता है जी जी। शमशेर ओ शामिश क्या नाम है उसका इजहार है ये भी भूल गया है बिल्कुल <laughs> मैं सोच रहा था सही वाला दोगे गलत वाला दोगे हिटेन मेरा वहेद कहाँ है कुमाइला <laughs> नादरा मेरा वहेद कहाँ है मेरे ये रमीज को दिन भी शिक करो कि आज रमीज नहीं अगर होता तो हम अपनी नजरों से ऐसी कराते वो से गिर जाते। <laughs> <laughs> था था। बात करो बात करते हो <laughs> इतने बड़े शो में बैठ के तुम लोग बड़ी बड़ी कहानियाँ फोकते हो आज तुम लोगों को एक ऐसी कहानी से लिखे हुए पढ़े लिखे वो हैं उनसे नहीं ये पढ़े लिखो की कहानी नहीं एक जेनेरिक कहानी है। <laughs> एक दफा का जिक्र है कि एक कीड़ा था <laughs> एक कीड़ा था वो को, वो को को ले गया। नहीं वो कीड़ा एक दफा उसे एक गुड़ का टुकड़ा नजर आया उस गुड़ के टुकड़े के पीछे जाने ही वाला था कि उसे एक कीड़ी नजर आई उसने उस गुड़ के टुकड़े को दफा कराया और कीड़ी के पीछे चला गया और उस दिन से ये मिसाल मशहूर हो गई कि गुड़ नालो इश्क मिठा ओके सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी यस थैंक गॉड इज दैट ऑल इज दैट ऑल इज दैट ऑल यस नो क्या तुम लोग आज के लिए बट इज बट बट इज लेस नहीं वो मीरा है अच्छा ये शब्द है मत कंफ्यूज करो दो कैरेक्टर्स को okay. खुदारा मत कंफ्यूज करो okay. क्या आजकल तुम लोग फिरंगियों की अंग्रेजी बोल के अपने बड़े बड़े शो चलाते हो नहीं क्या नहीं तुम नहीं लोगों नहीं। को पता है कि जो तुम लोग स्क्रीन शॉट अपने दोस्तों को भेजते हो उसकी पक्की और खालिश उर्दू क्या है क्या <laughs> अक्से करतूत <कर्टूथ स्या। laughs> या आपके करतूतों के अक्स होते हैं जो आप लोग लेके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं <laughs> <laughs> अक्से करतूत से आपके दौर में वैसे क्या होता था आप क्या करते थे हमारे दौर में तो खत पकड़े जाते थे और जब खत पकड़े जाते थे तो हाथ काट दिए जाते थे तो आप क्यों अभी तक ठीक कैसे हाँ रही आवाज दे है पर शक्ल दिखाई नहीं दे रही ये, ये ऐसा करती थी किसी और से लिखवा दी थी आगे इनके हाथ न कटे ऐसे मुझे लगा आप कह रहे हैं पढ़ी लिखी नहीं थी हम पढ़े लिखे थे लिखे ही तो नहीं थे, हम दिल, थे हम दिल रखते थे नादरा पढ़ाई कोई नहीं होती हमें आज तक समझ नहीं आता था, था जो आज तक इन अदाकाराओं को नजर नहीं आया इरफान जैसे लड़के जब जिंदगी से बोर हो जाते हैं मैं थो मेरी बात को कंप्लीट होने अपनी जिंदगी से <laughs> कुदारा <laughs> मत हँसिये हमें बात करने दीजिए हम नहीं हँस रहे आ, इनका आधा निकल जाता है इंसान जैसे लड़के जब बर होते हैं तो कहते हैं तोच रहा हूँ टेंट करवा के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत <laughs> वो भी मैंने इनसे सीखा था <laughs> चमक चलो कहाँ थी तुम दो दिन से <laughs> मैं थोड़ी बिजी थी बस कुछ पर्सनल मैटर्स की वजह से। चलो कोई बात नहीं तुम्हारे पर्सनल मैटर हमारे भी है आज से क्योंकि हमारे वही तो हमें छोड़ के जा चुके हैं हमें समझ... आपके बच्चे काफी उदास हम... से। नहीं हम उदास नहीं बस हमें एक सवाल का जवाब चाहिए और क्या इजहार इजहार हमारे सवालों का जवाब देना होगा वरना आप इस शो से उठ के जा सकते है हमारे गेस्ट को आप कैसे कह सकती है आज के गेस्ट हैं, अब हमारे गेस्ट नहीं रहे अच्छा चले अभी ब्रेक अभी हम बल्कि ज्यादा चाहते हैं आपसे आप ना कल पूछते हैं सवालों के जवाब अभी आपसे ज्यादा चाहेंगे जी अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद